गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और चलिए खबरों के खिलाड़ी में बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। G20 सम्मेलन में बोले हैं पीएम मोदी कि पीएम मोदी ने फिर से युद्ध रोकने की एक बार अपील की है और यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। G20 सम्मेलन चल रहा है जिसमें कि पीएम मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं और इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से युद्ध पर विराम लगाने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपको G20 शिखर सम्मेलन की, जो कि इंडोनेशिया के बाली में इस वक्त इसका आयोजन किया गया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें रवाना हुए और वहां पहुंचे, शामिल हुए हैं। यहां पर क्या कुछ अहम रहा उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा है कि फिर यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध कोई जरिया नहीं है किसी भी समस्या का हल निकालने का, इससे बेहतर है बातचीत करके। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। का हल निकाला जाए, कोरोना यूक्रेन संकट से विश्व में तबाही आई है। यूक्रेन संकट के बाद कई प्रतिबंध भी लगे हैं और जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान विश्व भर को भरना पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध के बजाय कोई और रास्ता अपनाने की अपील करते नजर आए। और देखिए, बाली में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों में ताइवान से लेकर रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। बाइडेन जिनपिंग में सहमति बनी, दोनों ने एक सुर में कहा नहीं होना चाहिए परमाणु युद्ध। इस रिपोर्ट में देखिए, जब लग रहा था कि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और रूस अमेरिका महाजंग के लिए तैयार है, तब इंडोनेशिया के बाली द्वीप से आई ये तस्वीर सुकून देने वाली है। ताइवान को लेकर बिगड़े रिश्तों के बीच अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो बात बनती दिखी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि परमाणु युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए। दोनों राष्ट्रपतियों ने साफ कह दिया है कि वो शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। I just met in person with Xi Jinping of the People's Republic of China. We had, we had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear, he was clear and I was clear, we're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict. One China policy, our one China policy has not changed. We oppose unilateral change in the status quo by either side and we're committed to maintaining the peace and stability in the Taiwan Strait. जिनपिंग और बाइडेन उन दो देशों के राष्ट्रपति हैं जिनके बीच विवाद जग जाहिर है, लेकिन मुश्किल आर्थिक हालातों के बीच बाली में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिलाया और बातचीत से मुद्दों का हल निकालने की सार्थक पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।